ये भारत का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव है, जो समंदर में रहकर भारत की ओर आने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करेगा। साथ ही ये दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाने के लिए समुद्र तल की मैपिंग करेगा। और इसके लॉन्च के बाद समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का पहले से अधिक ताकत के साथ इंडियन नेवी मुंहतोड़ जवाब देगी। जी हां गाइस, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना INS ध्रुव DRDO द्वारा बनाए गए एक्टिव स्कैनरी रडार से लैस है, जो भारत पर नजर रखने वाली सैटेलाइट्स पर नजर रखेगा और पूरे क्षेत्र में होने वाली मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करेगा और साथ ही लंबी दूरी के परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने का काम भी करेगा। इसके अलावा ये 15,000 टन मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन, लंबी दूरी के रडार, गुंबद के आकार के ट्रैकिंग एंटीना और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस किया गया है। गाइस, 175 मीटर लंबे INS ध्रुव को पहले एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में VC-11184 नाम दिया गया था और इंडिया ने इस शिप की तैनाती ऐसे समय पर किया जब चाइना इंडियन ओशियन में निगरानी मिशन चला रहा था।